अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको थोड़ा सा नर्वस किया। मैं तो बहुत नहीं, सुबह से ना एक्टर्स आते हैं तो आप भी एक्टर हैं, बट वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। आज लाइक बिकॉज आई कैन यू नो रियलाइज और आई कैन थिंक ओ हाउ यू मस्ट बी थिंकिंग। अच्छा सवाल को सी, वो तो मेरे सवाल को जज कर रही हूँ, आप मेरे सवाल को हो सकता है जज कर रही हूँ। ये किस किस्म का सवाल पूछा है? मैं एंकर होती तो कभी, आई एम नॉट सेइंग यू विल डू इट, बट जस्ट टू ब्रिंग अ लाइटर मोड टू द होल थिंग। बट एक पॉसिबल हो भी सकता है कि आपके ना चाहते हुए भी ये सोच गुजरे, तो मैं वो चाहती नहीं हूँ कि आप। कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे कि हम राबिया ये जब खत्म हो जाएगा ना इंटरव्यू, तो मैं वहाँ बैठ जाऊंगी, फिर मैं आपका इंटरव्यू शुरू करूंगी, उसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे, एंड देन यू विल फील कि हाउ यू फील एक्चुअली बाय सिटिंग ऑन द हॉट सीट। यू नो दैट डे आई वाज थिंकिंग, यार मैं हैट्स ऑफ टू ऑल दोस पीपल जो उस जगह पे बैठते हैं, क्योंकि बहुत दफा क्या आई विल से 99% ऑफ द टाइम्स मेरे गेस्ट मुझसे क्वेश्चंस नहीं मांगते, ठीक है? वो आके बैठते हैं और मैं जो पूछती हूँ मेरा जवाब देते हैं। जैसे आपने भी मुझसे आपने पूछा भी नहीं राबिया किस डायरेक्शन में जाऊंगी, यू जस्ट कम, ऑल आई आस्क वाज एक दो चीज़ें कि ये पूछो, लाइक जो पूछना है पूछ रहा हूँ। तो विदाउट बींग प्रिपेयर्ड एंड टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, आई थिंक बहुत बहादुरी है। और फिर ये भी नहीं पता कौन सी चीज़ कौन सी वायरल हो जाए, कौन उठा ले किस चीज़ पे, कैसे बोले। सही बात है। अच्छा, ये तो एक नया ही जादू है हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स के पास कि कुछ भी उठा के उसको कोई भी रंग देके वायरल कर लेते हैं। सही बात। तो वो तो मुझे लगता है कि बहुत बहादुर लोग होते हैं जो वहाँ बैठते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल मैं इतनी बहादुर हूँ ना मैं इतनी टैलेंटेड। नहीं राबिया, यू कैन डू इट। ये ट्रिक मुझे भी आती है जी आयशा जी, ये नहीं चलने वाली ट्रिक है। चले चले। तो नहीं, मैंने सोचा आप कहेंगे कि हम इंटरव्यू खत्म कर लें राबिया, तो फिर हम आपको, मैं आपको फीडबैक दूंगी कैसा था आपको। नहीं, मैंने तो आपको सीधा यहाँ बिठाना है। अच्छा, तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है शगो पोपो का? शगो पोपो इज रॉकिंग एब्सोल्युटली। हाँ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसका कैरेक्टर बहुत ही लवेबल एंड वेरी रिलेटेबल। ऑल दोज वुमेन जिनकी ज़िंदगी में एक हाई और बहुत सारे लोज आए हैं, उनको पता है कि जो चैलेंजेस एक जॉइंट फैमिली में रहने के होते हैं, शगो उनको फेस भी कर रही है, और उसके बावजूद शी इज़ पुलिंग अ वेरी यू नो अ हैप्पी अ बबली ऑलवेज पॉजिटिव एक इम्प्रेशन देने के लिए, सबको जोड़ने के लिए शी इज़ डूइंग दैट। एंड मुझे ना वो जो इतनी ढेर सारी मैसेजेस हैं जो वो कैरेक्टर कम्युनिकेट कर रहा है, इनफैक्ट वो शगो पोपो एंड हामिद जो मिलके जो उनकी जो कॉम्बिनेशन है ना, वो इतनी पॉजिटिव है, लाइक इट्स एक्चुअली अ जॉय टू वॉच बोथ ऑफ देम। एंड द वे हामिद कम्स एंड यू नो सेव्स हर कि नहीं नहीं मुझे तो चाहिए, प्रिया शादी पे करेंगे, मैं संभाल लूंगा भाई को, यू नो आई लव इट। एब्सोल्युटली आई एम लविंग हामिद्स कैरेक्टर। ऑल्दो मतलब जितना उसका उसका सटल है ना, साथ बहुत सटल है, एंड वेरी सटली इज सीप्ड इन एंड ही इज टेकन कंट्रोल ऑफ द होल सिचुएशन, एंड यू नो इज बिकम अ पिलर इन दिस फैमिली। कैसे आप एक बंदा दूसरी शादी कर रहा है, वो भी दूसरी शादी कर रहा है, शगो की भी दूसरी शादी है, हाउ टिपिकल फर्स्ट मैरिजेस आर जो हम देख रहे हैं बाकी दोनों कैरेक्टर्स की जिंदगी में, शहीरा के हस्बैंड उसको मतलब कैसे ब्रूटली उसको अब्यूज कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, देन दोनों मेन कैरेक्टर्स के जो आपस में मसले चल रहे हैं वो बहुत ऑब्वियस हैं और बड़े इम्पल्सिव हैं, और कहाँ ये दोनों हैं जिंदगी के ठहराव के साथ अपनी मिडिल एज में, दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन देयर रिलेशनशिप, और आगे जाके आप लोगों को पता लगेगा कि वाकई दे वर्क टूवर्ड्स अ रिलेशनशिप। एंड आप अभी बात करिए तो मुझे एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट मुझे ख्याल आ रहा है कि वो दो कपल्स हैं, या चले हम फ्रिया फरहाद को ले लेते हैं, हु आर यू नो ट्राइंग टू फिगर आउट ईच अदर, एंड यू नो बहुत दफ़ा वो बेखौफ होकर चीज़ें बोल देते हैं, ठीक है, बिकॉज वो उनका फर्स्ट यू नो फर्स्ट मैरिज, अल्लाह करे फर्स्ट मैरिज हो ड्रामे में भी, you know? I sometimes feel so strange when I, you know, connect with the characters so closely, और मुझे लगता है वो real life लोग हैं ना जिनके बारे में बात करें। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन शगो पोपो और हामिद का अगर देखें तो बिकॉज उन्होंने जिंदगी में कुछ देख लिया है, उनको एक दूसरे की अप्रिसिएशन ज़्यादा है। यस। क्योंकि वो गुजर चुके हैं उस चीज़ से, जो चीज़ उनके हाथ से निकल गई अब वो दोबारा मिल रहा है, तो दे आर अप्रिशिएटिंग वो चीज़, आपको वहाँ नहीं नजर आ रही। बिल्कुल। कितना ये तो बहुत बड़ा और बड़ा स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, वेरी सटली द राइटर्स डन अ वेरी फैबुलस जॉब, एंड सो हैज बजट, और बाकी की टीम नवीद, एवरीबडी इज डन अ फैबुलस जॉब ऑन दिस प्रोजेक्ट, और दैट इज वाई इट्स प्रोबेबली इट्स बीन पेनस्टेकिंगली लॉन्ग, बिकॉज इट एक एक कैरेक्टर की डेवलपमेंट आपको नजर आएगी इसमें, आपको इसका पूरा जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल अलग से, इट्स लाइक अ मूवी दैट यू आर वॉचिंग और अ सीरीज दैट यू आर वॉचिंग। ट्रू। एंड मुझे ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, कभी कभार
एक्चुअली मोस्टली होता है ड्रामों में जो मेन कैरेक्टर्स हैं ना, आपको उनका ट्रैक देखना है. हाँ. लेकिन यहाँ पे अगर शहीरा का ट्रैक आ रहा है तो हाँ. हमें वो भी अच्छा लगता है कि किरण के साथ क्या हुआ. आई वॉन्ट टू वॉच इट, यू नो, आई डोंट गेट बोर्ड, आई डोंट वॉन्ट टू फॉरवर्ड इट. सेम फॉर यू एंड यू नो हामिद का जो कैरेक्टर शगो पप्पो का, वो जब आता है तो वो तो आई एम रियली ओके, क्या हुआ, क्या करेंगे अब, कुछ होगा या इसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, लड़ाई होगी कि नहीं होगी, लड़ाई तो नहीं, आई एम जस्ट ऑलवेज लाइक ओ हाउ विल ही यू नो और व्हाट विल दे बोथ डू नाउ, यू नो हाउ विल दे रिएक्ट. सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. आपने आपका नाम आयशा जहां जेब, यू नेवर चेंज्ड इट? नहीं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी राबिया. व्हेन आई मेट माय हस्बैंड, मैं उस वक्त आयशा जहांजेब भी थी, हालांकि मेरा मेडन नेम जो है इट्स आयशा चौधरी. आयशा चौधरी, यस. जहांजेब हैड पास्ड अवे ऑलरेडी. तो व्हेन आई मेट हारिस तो ही वाज लाइक के आई सेड के यू नो वी कैन आई कैन चेंज माय नेम टू, नॉर्मली यही होता है ना कि आप शादी के बाद नाम बदल लेते हैं. सही बात है. तो मैंने कहा उन्हें कि मैं आयशा हारिस कर सकती हूँ इफ यू वॉन्ट. तो ही वाज लाइक कि नहीं, माई पेट नेम इज़ मोमी. सो ही सेड मोमी नहीं, आई वॉन्ट के जैसे तुम मुझे मिली थी ना तुम वैसी ही रहो. Okay. So here I am. वैसी की वैसी. Such a beautiful statement. Yeah. Okay. And फिर आपने उसको कभी नहीं सोचा कि मैं... नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा. फिर मैंने ये नहीं सोचा कि मैं स्क्रीन पे अपना नाम चेंज करके आयशा चौधरी कर लेती हूँ. आपको ये भी नहीं था कि लोग क्वेश्चन पूछेंगे जैसे मैं पूछ रही हूँ, बहुत से लोग कुछ कह भी सकते हैं, बिकॉज कंफ्यूज होते हैं, कुछ भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकती है और कॉन्वर्सेशन किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ये कंसर्न कभी नहीं था? मैंने नहीं, ये कंसर्न कभी नहीं था. आप प्रॉब्लम ये है राबिया कि आई एम वेरी वेरी एडवेंचरस एंड अ वेरी वन ट्रैक काइंड ऑफ अ पर्सन, कि जब जिस रास्ते पे चल पड़े बस चल पड़े. बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट इस चीज़ का बड़ा बतंगड़ बनाया कि भाई शी इज़ इन रियलिटी शादी हुई हुई है हारिस के साथ, मेडन नेम आईडी कार्ड पे इसका चौधरी है, लेकिन शी कॉल्स हरसेल्फ आयशा जहांजेब. सो इज दैट व्हाट्स, देयर आर थ्री पीपल इन्वॉल्वड. But that's your choice, yeah, but people don't understand, na? लोग नहीं समझते, लोगों को लगता है ये झूठ, इसमें कुछ कुछ कहानी है. हालांकि इसमें कोई कहानी नहीं, ये exactly as it is है. अब एक बात आपको बड़ी थोड़ी इमोशनल हो जाएंगे, रोना वोना नहीं है, लेकिन इस बात को समझे. जहांजेब when he was deciding the kids' names, मेरे तीन बच्चे जहांजेब से हैं, तो जब हम बच्चों के नाम जैसे जैसे वो पैदा हो रहे थे ना तो उनके नाम डिसाइड हो रहे थे, तो बड़े वाले ने जब पैदा हो गया ना तो डिसाइड हुआ कि उनका नाम ताजवर रखा जाएगा. Okay. तो ताजवर के आगे आई वॉन्टेड के जहांजेब अपना नाम लगाए, लेकिन ही डिसाइडेड कि मैं अपने फादर का नाम लगाऊंगा. okay. कि मैं चाहता हूँ कि वो बड़ा मतलब एक बाबख्त इंसान, ही यूज टू थिंक कि उनके फादर की बरकत से उनकी ज़िंदगी में सब कुछ है. सो ही यूज टू से कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के साथ मेरे वालिद का नाम लगे. ठीक है. तो मी बींग अ वाइफ एंड ऑल्सो इट वॉज अ लव मैरिज, तो मुझे ये शौक था कि जहांजेब का नाम लगे. एंड आई यूज टू से कि जहांजेब अगर तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हारा नाम नहीं लगेगा तो तुम्हारा नाम तो ख़त्म हो जाएगा.